स्टूडेंट, आपका अपना इंट्रोड्यूसर स्वागत है। एक बार आप देखिए, हमने आपको एरिया प्रोग्राम का, मैंने आपको जो मैथ है जो हमने आपको करा दिया था जिसका नाम था कोऑर्डिनेटर, है ना। तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक करा दिया, अभी मैंने सिक्स क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। तो आप अच्छी तरह देखिए, है ना, क्लास नाइन्थ, राइट, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 9.3, सॉरी। तो बेटा सिक्स नंबर को आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मैथ का नाम है कोऑर्डिनेटर, चतुर्भुज, हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेटर। देखो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना आपको एक चीज की ट्रिक पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटर यानी कि चतुर्भुज, ध्यान दीजिए। ये आपके इस तरह से जो चीज दिया हुआ है, ध्यान समझिए, राइट, ए बी सी डी लिख दिया हमने। जब ए बी सी लिख दिया तो यहाँ पे दो चीजें बेटा, एक वर्ड आया जिसका नाम है डायगनल। देखो डायगनल, देखो एक एक वर्ड को ना ढूंढो। डायगनल हिंदी क्या होता है, विकर्ण, ठीक, विकर्ण पता होना चाहिए। ए को सी से मिलाते हैं और बी को डी से, दो विकर्ण होते हैं। अब क्या बोल रहा है, ओ इंटरसेक्ट, वो बेटा हमारा इंटरसेक्ट है, यहाँ कट कर रहा है, खुद ही देख लो ना कितना ट्रेंगल है। अब लिखा बेटा, जो ए बी है ना, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ये तो बच्चों को पता होना चाहिए, बराबर सी डी। बस अब हम ग्रुप करते हैं, पहले क्वेश्चन को चलते हैं। पहले क्वेश्चन का नाम क्या है, एरिया डी ओ सी। लो, एरिया डी ओ सी, राइट नाउ, बराबर एरिया ट्रायंगल ए ओ बी, राइट नाउ। आगे देखिए, तो बेटा हम आगे चलेंगे, डी ओ सी, डी ओ सी ए ओ बी, खुद ही देखो बराबर है। तो अब आगे आते हैं, देखिए ए बी बराबर सी डी, यानी कि बेटा गिवन, ध्यान दीजिए, इन्हें दिया है, दिया है, राइट, समझ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो ओ ए है वो भी ओ डी के बराबर है। देखिए ओ ए बराबर ओ डी, या फिर ओ डी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, यानी कि ओ बी बराबर ओ सी। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, ध्यान दो, यस, समभुज, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट साइड। देखो आपको ना एक एक वर्ड समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्योमेट्री का मैथ कोई हार्ड नहीं होता, लोगों ने इसको हार्ड बना रखा है, डोंट वरी। तो क्लियर हो गया, आगे देखिए, इसमें लिखेंगे हम ए आर मतलब होता एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी हिंदी में समझते, त्रिभुज डी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर ए त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। देखो जिसको इंग्लिश में नहीं समझना, हिंदी में समझ लेना, दोनों चीजें मैं बना रहा हूँ आपको। बस फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट, यानी हाफ आधार गुना ऊंचाई, हाफ आधार गुना ऊंचाई, राइट, आधार गुना ऊंचाई। तो अब ध्यान दीजिए, इसका तो आधार तो है लेकिन हाइट नहीं है, इसको ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां मान लीजिए m, ये आपका हाइट चाहिए ना मुझे, मैं तो होगा नहीं क्योंकि बेस तो है ही, ध्यान दीजिए n, तो समझ रहा है ना, ध्यान दीजिए, हा डी ओ सी, इसका आधार कौन होगा, बेस कौन होगा, डी सी इनटू हाइट
ओए। अच्छी तरह समझिए, हाफ आधार कौन सा है, ए बी, हाइट ओ एम, राइट। तो समझ गए, हाफ से हाफ कट गया, सारे तो बराबर ही है, लिख दो ट्रायंगल ए ट्रायंगल डी ओ सी बराबर ट्रायंगल ए ओ डी टू टू। ए था आपका सिक्स का पहला क्वेश्चन, इसका तो बेटा आपके दो क्वेश्चन और है, मैं दोनों आपको एक साथ करा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा जल्दी नोट करें। आते हैं बेटा दूसरी क्वेश्चन, हाँ ए आर डी सी आप खुद ही देखिए, ए आर ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी कहाँ है भाई, डी सी बी, अब देख लो पहले तो हाथ का आपको पूरे क्या क्या बराबर ए आर ट्रायंगल, नाम क्या है ए सी बी, कहाँ है भाई ए सी बी, देखो बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान से देखना ए सी बी फिर इसकी बोल रहा है, ध्यान देखिए बेटा ए सी बी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लोग, है ना। देखिए डी सी बी, डी सी बी यानी ए बी सी बराबर ए बी, दोनों बराबर है, यहाँ आराम से लिखिए ए बी बराबर सी डी, यहाँ लिखिए डी में, प्रूफ जैसा थ्योरी का मैथ आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना, थोड़ी बहुत थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ए सी बराबर बी डी, यानी कि ए सी बराबर बी डी, अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पूरे ट्रायंगल की बात हो रहा है, इसीलिए हमने इसको दोनों कर दिया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब विकर्ण, देखो बेटा मैथ को ना एक अलग स्टेप को करना ही पड़ेगा बेटा, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत ही दिमाग खर्चा नहीं होता, थोड़ा सा करना पड़ता है ना। अब क्या लिखेंगे ओ एम, यहाँ लिखिए ओ एम बराबर ओ एम, राइट, यहाँ लिखिए लम, लम यानी डालने वाला, जो यानी यहाँ से हमने रख दिया और हमने यहाँ डाल दिया, फिर इसको हमने यहाँ रख दिया, तो ये हमने जो ओ एम जो डाला, जो हमने आधार रखा, क्या नाम है डी सी, इसका क्या नाम है ए बी। तो कहने का मतलब है ना कहीं एक अंक स्टेप आपको लिखना ही पड़ेगा, तो उसी तरह आपको करना पड़ेगा, ओके ना। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, राइट, त्रिभुज डी सी बी, डी सी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट, राइट, ध्यान दीजिए हाफ बेस इंटू हाइट, राइट, एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है बेटा, एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई, समझ में आ रहा होगा, राइट ना। तो बेटा हाँ अभी तो आधार कौन सा होगा, ये तो है, ये तो बेटा आधार, आधार पे नहीं है ये पूरा था, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ध्यान दे ये 90 हो गया, क्या लिखो क्या आधार बी सी, बी सी हो गया, एक मिनट ट्रायंगल का नाम क्या डी सी भी ना, हाँ हाँ बी सी, ओए बी सी इसका भी हो गया इंटू हाइट कौन सा होगा इसका सी डी हो गया, सी डी बराबर हाफ, इसका भी आधार हमारा बी सी हो गया, देखो समझना पड़ेगा बेटा हाइट कम हो गया लो इसे कट जाएगा इसे कट जाएगा, तो बचा ही क्या सी डी बराबर ए बी, तो ए बी आपका प्रूफ हो गया। देखो समझ में तो आपको आने चाहिए एक अगर स्टेप, मैं आपको एक अगर स्टेप करके बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। जल्दी नोट करो, 30 मिनट का समय गर्म करने का, कॉपी का कलम लेकर बैठा करो। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, ए डी ए समांतर, देखिए बी ए पैरेलल सी बी, खुद ही देखिए डी आ गई डी, अच्छा अब इसकी बात बोल रही है, अब इसकी बात बोल रहा है और ए बी सी, राइट, इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम,
यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, नाउ क्लियर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है बेटा, मतलब कि सारे बराबर है ना, तो क्या लिखेंगे आप, ए बी बराबर सी डी, राइट, ए डी बराबर क्या लिखेंगे आप, बी सी, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर है, लिखे सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा अपोजिट साइड, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल थोड़ी है ग्रुप करने का, राइट नाउ। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, जब आप नहीं करते तो अभी भी तो लिखेंगे आप, ए सी बराबर सी डी, नहीं ए सी डी बराबर बी डी, जो ए सी है ना बी डी के बराबर है, तो ये लेकिन ये अलग हो गया, इसका नाम है डायगोनल, क्या नाम है, डायगोनल, ठीक है, यानी बी कर्ण, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, राइट, ए बी सी डी ए समांतर चतुर्भुज है, राइट, टू टू। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद लगे, तो आप शेयर जरूर करें, तकलीफ, नमस्कार।